नीति वचन अध्याय एक उसका सातवां वचन। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि और शिक्षा को मूर्ख लोग ही तुच्छ जानते हैं। अय्यूब अध्याय 12 उसका 13वां वचन। परमेश्वर में पूरी बुद्धि और पराक्रम पाए जाते हैं। युक्ति और समझ उसी में है। भजन संहिता अध्याय 90 उसका 12वां वचन। हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। नीति वचन अध्याय 2 उसका 6वां वचन। क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती हैं। लूका अध्याय 21 उसका 15वां वचन। क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे सब विरोधी सामना या खंडन ना कर सकेंगे। याकूब अध्याय 1 उसका 5वां वचन। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगो, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। नीति वचन अध्याय 14 1-2। हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, पर मूर्ख स्त्री उसको अपने ही हाथों से ढा देती है। जो सिधाई से चलता वो परमेश्वर का भय मानने वाला है, परंतु जो टेढ़ी चाल चलता वो उसको तुच्छ जानने वाला ठहरता है। मती अध्याय 7 उसका 24वां वचन। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। पहला कुरिन्थियों अध्याय 3 18-20। कोई अपने आप को धोखा न दे। यदि तुम में से कोई इस संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे तो मूर्ख बने कि ज्ञानी हो जाए, क्योंकि इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है। पर जैसा लिखा है वह ज्ञानियों को उनकी चतुराई में फंसा देता है, और फिर प्रभु ज्ञानियों के विचारों को जानता है कि व्यर्थ है। याकूब अध्याय 3 13-15। तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी ईर्ष्या और स्वार्थ रखते हो तो डींग ना मारना और ना ही सत्य के विरुद्ध झूठ बोलना। यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन सांसारिक और शारीरिक और शैतानी है। याकूब अध्याय 3 उसका 17वां वचन। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। नीति वचन अध्याय 11 उसका 12वां वचन। जो अपने पड़ोसी को तुच्छ जानता है वह निर्बुद्धि है, परंतु समझदार पुरुष चुपचाप रहता है। नीति वचन अध्याय 16 उसका 16वां वचन। बुद्धि की प्राप्ति शुद्ध सोने से क्या ही उत्तम है, और समझ की प्राप्ति चांदी से बढ़कर योग्य है।
यर्मिया अध्याय 9 23 से 24। यहोवा यह कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे। परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। इफिसियों अध्याय 5 15 से 16। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो, और अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। फिलिपियों अध्याय 1 9 से 11। और मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा प्रेम, ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए, यहाँ तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर ना खाओ और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। कुलुसियों अध्याय 3 उसका 16वां वचन। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में कृतज्ञता के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाओ। सभोपदेशक अध्याय 8 उसका 1वां वचन। बुद्धिमान के तुल्य कौन है और किसी बात का अर्थ कौन लगा सकता है? मनुष्य की बुद्धि के कारण उसका मुंह चमकता और उसके मुख की कठोरता दूर हो जाती है। नीति वचन अध्याय 17 27 से 28। जो संभल कर बोलता है वह ज्ञानी ठहरता है, और जिसकी आत्मा शांत रहती है वही समझ वाला पुरुष ठहरता है। मूर्ख भी जब चुप रहता है तब बुद्धिमान गिना जाता है, और जो अपना मुंह बंद रखता वह समझ वाला गिना जाता है।